जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने ऊना जिला के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर से लोकतंत्र उत्सव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डेमोक्रेसी वैन को जिला में प्रचार के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने बताया यह वाहन जिला के सभी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है शिमला, उन्होंने प्रत्येक जिला के लिए जो है एक डेमोक्रेसी वैन जो है उसको प्रावधान किया है। जिला ऊना में ये डेमोक्रेसी वैन पहुंची है। अगले कुछ दिनों में 12 तारीख तक जो है ये गांव-गांव और शहर-शहर हर वार्ड में जाके और जो आने वाला मतदान है उसके लिए लोगों को आह्वान करेंगे और प्रेरित करेंगे। और इसमें जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश है उनको इस पे LED वॉल पे सुनाया जाएगा और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि ऊना में ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न माध्यमों से प्रचार करके और 80% से अधिक मतदान हो ऐसा प्रयास करेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश 353 प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल गुरुद्वारा पौंटा साहब की समुची संगत वालों, इलाके की संगत वालों, संसार भर की संगत वालों परम कड़ी के सहयोग नाल मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम दे विच कल 7 तरीक नगर कीर्तन विशाल नगर कीर्तन चलिया सीगा जो बाजार च हुंदा होया शाम नूं गुरदासा समाप्त होया। अज सारा दिन 8 तरीक नूं सवेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे भोग पाए गए हैं जिस विच सचखंड श्री दरबार साहब दे रागी संगत ने कीर्तन किया। इस तो अलावा हुण सारा दिन दीवान चल रहा ढाडी सिंह, रात नूं उच्च कोटि का कवि दरबार होगा। मैं संगत नूं इस प्रकाश उत्सव की पूरे संसार भर संगतां नूं बधाई देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।